नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं मतर हॉस्पिटल में हूं, हिसार के नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने हैं। मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं, बीएचएमएस हैं, होम्योपैथी में इन्होंने पीजीआई से डिग्री की है। और आज एक खास विषय पर बात करेंगे, गठियाबाज जिसको कह देते हैं। ये बड़ी कॉमन समस्या है, लेकिन इसके रीज़न क्या है, कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, कैसे बच सकते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। अंग्रेज़ी में इसको गाउट बोलते हैं और देसी भाषा में इसको गठिया भी कह देते हैं, गठिया बा कह देते हैं, गठिया कह देते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत आपका। आज गठिया पे बात करेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये कैसे कैसे होता है, किस तरह का होता है। इसकी इसको लेके कुछ लोगों की भ्रांतियाँ ये भी रहती हैं कि यार एक बार बा हो गया तो ये तो होगा, ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इसका इलाज कैसे होता है। गठिया के बारे में सर जानकारी, गठिया के बारे में बात करें तो गठिया और वात, काफ़ी लोग गठिया वात भी बोलते हैं इसको, ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। गठिया के बारे में बात करें तो हमारे जो जोड़ हैं, जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं, लाइक हमारे पैरों के हैं, हमारे पैरों के गुट्ठे हैं या पैरों की उंगलियां हैं, उनके अंदर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। उनके अंदर एक तरह से जॉइंट्स है वो डायलेट करना भी स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे जॉइंट्स है वो मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें गठिया बा के अंदर देखने को मिलती हैं। और वात के बारे में बात करें तो वात का अलग कारण है, वात जिसको हम ओए ऑर्थराइटिस की कंडीशन बोलते हैं। ऑर्थराइटिस के अंदर जितने हमारे बड़े जॉइंट हैं उनके अंदर सूजन या इन्फ्लामेटरी की कंडीशन आती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, लोग कहते हैं कि जोड़ घिसने स्टार्ट हो जाते हैं, वो वात की कंडीशन के अंदर आती है। जैसे जैसे 50 के बाद एज बढ़ती है, एज के बढ़ने के अनुसार हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, जिसे हम ग्रीस बोलते हैं, वो ग्रीस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसी भाषा में कह देते हैं गुड्डों में ग्रीस ख़त्म होगी। हाँ, बिल्कुल, जो ग्रीस ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन डिके होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन डिके होगी तो उसके साथ साथ जो जोड़ हैं उनके बीच में गैप है, वो गैप कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे गैप कम होगा तो ऑब्वियसली दोनों जॉइंट, जितने दोनों हड्डियाँ हैं, दोनों हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो घिसना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर कट 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 की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है वात के अंदर। और गठिया के अलग कारण हैं और वात के अलग कारण देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके गठिया के बारे में बात करें तो इसके बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन ना कर पाना, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड होता है जिसकी मात्रा बॉडी के अंदर अधिक हो जाने की वजह से वो चीज़ें बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, एक्सक्रीट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद की सेल्स पे अटैक करने स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में। ऐसा क्या करें डॉक्टर साहब कि ये गठिया या गाउट जिसको कहते हैं ये हो ही ना, कुछ बचाओ, ऐसे कोई वजह बता दें कि ये चीज़ें आप कर लेंगे तो कम चांसेस रहेंगे गठिया होने के। देखिए, अगर गठिया वात के स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को इनिशियल कंडीशन के अंदर, इसकी स्टेजेस होती हैं, अगर इसको इनिशियल कंडीशन में रोका जा सके तो वो बेटर रहेगा। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर पुरुषों के अंदर कंपैरिजन करें तो 40 की एज में, 40 से 50 की एज में मेल्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ये चीज़ें मेनोपॉज, जैसे महीने बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन के बाद ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती हैं। जितना हो सके वो वात की अगर जनरली बात करें तो हम जितनी भी लेडीज़ हैं, वो हमारी माताएं बहनें हैं, वो दूध नहीं पी पाती हैं या फिर कैल्शियम के प्रोडक्ट नहीं इनटेक कर पाती हैं, और 50 के बाद बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो चीज़ें एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बॉडी अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो जोड़े हैं वो घिसने स्टार्ट हो जाते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो डिके होनी स्टार्ट हो जाती है, ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। तो जितने भी माताएं बहनें हैं या ओल्ड एज के अंदर जिनकी भी है, एज बढ़ती जा रही है, वो कैल्शियम का इनटेक इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ विटामिन D3 का इनटेक इम्प्रूव करें, कैल्सिरोल के पाउच ले सकते हैं या फिर ऐसे पदार्थ खाएं जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक से अधिक हो, ताकि वो चीज़ों को वहीं पर होने से रोका जा सके और ये बीमारी अधिक ना स्प्रेड करे, ताकि जोड़ ना घिसे, ना उनको कोई नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। जैसे जैसे एज बढ़ती है, काफ़ी लोगों को नी रिप्लेसमेंट की भी दिक्कत देखने को मिलती है।
मोटापा भी कोई इसकी वजह होता है? लोग कह देते हैं, कहता है वजन ज़्यादा हो गया इसलिए गोड़ों में दर्द हो गया, ये बाव हो गया, ऐसा मोटापे से कोई डायरेक्टली कोई कनेक्शन है? हाँ जी, जैसे जैसे बॉडी का वेट इंक्रीज होगा तो ओब्वियसली वो नी जॉइंट पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से जोड़ घिसने की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती है। जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं वात के। इसके अलावा जिनके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी जो गाउट है या फिर ओए की दिक्कत, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, वो अधिक देखने को मिलती है। होम्योपैथी में डॉक्टर साहब कितना इसका इलाज संभव है या कितने वक्त में इसका इलाज हो जाता है? मध्यम दर्जे का जो बीमारी होती है, एक्यूट भी होती हैं, थोड़ी लोअर लेवल पे भी होती हैं, तो कितना वक्त लगता है होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने में? डिपेंड अपॉन यूरिक एसिड का बॉडी के अंदर लेवल कितना है। अगर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं तो उसमें उतना ही पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में बात करें तो। जैसे जैसे बॉडी के अंदर वो चीज़ें कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास इनिशियल कंडीशन के अंदर आता है जिसके अंदर पेशेंट को हल्का फुल्का फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, गोड़ों के अंदर सूजन है वो कम है, तो उस कंडीशन के अंदर वो चीज़ें उतनी ही जल्दी रिकवर हो जाती हैं। जितना पेशेंट डिले करता है तो वो चीज़ें उतनी ही लेट उनका लंबा कोर्स चलता है। जनरली अगर बात करें तो इसका कोर्स 3 से 4 महीने के अंदर जितने भी बॉडी के अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं, जो लक्षण हैं, वो ईजिली कवर हो जाते हैं और उनका यूरिक एसिड का लेवल भी कम हो जाता है। कुल मिला के होम्योपैथी में तसल्ली से इलाज होता है और साइड इफ़ेक्ट्स बेहद कम या ना के बराबर उनके रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर काफ़ी ऐसी मेडिसिन है, हमारे माताएं बहनें हैं वो हरे पत्ते की टैबलेट ले रही हैं या फिर है ना पेन किलर ले रही हैं, तो वो उस चीज़ का वो लोग कहते हैं, कई आप जैसे एक्सपर्ट बताते हैं, कहते हैं ये लगातार लेने से दर्द तो ठीक हो जाता है टेम्प्रेरी, लेकिन और नई बीमारी शुरू हो जाती है, नए फंक्शंस जो हैं बॉडी कम करना शुरू कर देती है। इनिशियल में लोग 5 mg की डेग्लोफेनिक ले रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, फिर पेशेंट 100 mg की लेनी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। अपना टाइम से ट्रीटमेंट करवाइए। पेन किलर आपको टेम्प्रेरी रिलीफ करेगी लेकिन परमानेंट क्योर कर ही नहीं है। उसका मेन फंक्शन ये है कि आपके कुछ समय के लिए दर्द को रोक देगी, लेकिन है ना वो चीज़ें क्योर की तरफ तो जा ही नहीं रही, वो तो दूसरी सीढ़ी की तरफ। वो टेम्प्रेरी इलाज है, क्योर नहीं है। और आपकी कोई और भी क्योरी है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके इनसे बात कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। नगोरी गेट के अंदर मदर हॉस्पिटल है, गीता पनवाड़ी के ठीक सामने। आप किसी वक्त भी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। आपकी कोई क्योरी हो तो बेबाकी से नीचे कमेंट लिखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गरिमा हैं, डॉक्टर गरिमा मदर हॉस्पिटल में हैं और ये मदर हॉस्पिटल हिसार के नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने हैं। मैडम, गाउट या फिर कहें तो गठिया, ये इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बता दें पहले कि क्या होता है गठिया, बा कह देते हैं इसको, वैसे अंग्रेजी में गाउट कहते हैं, ये होता क्या है और कैसे होता है ये? गठिया बात और गाउट के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये क्या होता है, इसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स या यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है जिसके कारण एकदम से जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है, पेन होता है और ये एकदम से इतना बढ़ता है कि पेशेंट्स को इतना दर्द होता है कि वो टॉलरेट नहीं कर सकता। ये कहाँ होता है? ये जोड़ों में होता है। सबसे पहले देखा जाए तो ये मेनली पैर के अंगूठे में होता है, पैर के अंगूठे में इतनी सूजन हो जाती है, कभी कभी रेडनेस भी हमें देखने को मिलती है। ये पैर के अंगूठे के साथ साथ घुटनों में भी हो सकता है, यहाँ पे एल्बो में भी हो सकता है और भी कई जगह हो सकता है। अगर हम देखें इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल इसका मेल के अंदर अगर हम देखें तो 7 mg/dL देखते हैं और फीमेल्स के अंदर 6 mg। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये दिक्कत आती है और ये एक एक्यूट अटैक होता है। ये किस वजह से हो जाता है कि किडनी जो होती है वो यूरिक एसिड को ढंग से, मतलब उसका फंक्शन अल्टर हो जाता है, उसको ढंग से वो बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके कारण ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल्स बन जाते हैं और हमारे जॉइंट में गठिया बाह। इसका पता तब लगता है जब आदमी से चला नहीं जाता, उसके गोड़ों में दर्द होता है, पाँव में होता है, हाथों में भी दर्द होता है, तो ऐसे कोई प्रारंभिक लक्षण उनको मालूम हो जाए कि भाई अब तुम्हें गाउट हो सकता है, कुछ जानकारी दे दें। इसमें यही होता है कि पेशेंट के पैरों में, मतलब पैर के अंगूठे में सूजन आ जाती है, पेन होता है, उनका इतनी सूजन बढ़ जाती है कि उनसे चला भी नहीं जाता, तो ये हो सकता है कि उनको गाउट की शिकायत भी हो सकती है, उनको चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, क्या बिना दवाई के गाउट ठीक हो सकता है?
शुरू शुरू में अगर किसी का एक्यूट अटैक है, मतलब शुरू का अटैक है, तो हम इसमें फिजियोथेरेपी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट के पैरों को के नीचे तकिया लगाते हैं, उनको एलिवेट करने की मतलब पेशेंट्स को सलाह देते हैं ताकि जो पैरों की सूजन है वो ख़त्म हो जाए, और हम धीरे धीरे और एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई वो करवाते हैं। साथ में हम पेशेंट को ये नहीं कहते कि वो चलना बंद कर दे, वॉकिंग से ऐसा नहीं होता। कई बार पेशेंट सोचते हैं कि चलेंगे तो पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, जोड़ दुखेंगे, तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलना चाहिए थोड़ा बहुत, धीरे 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 हम स्वेलिंग कम करते हैं पहले, फिर पेन रिड्यूस करते हैं, और अदर मोडालिटीज़ होती है जिसके थ्रू हम पेशेंट के पेन को ट्रीट करते हैं। आपके और भी कोई क्वेरी है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।